का भी पहुंच चुके हैं हैड सलमान की भी, तो अभी आप लोगों को व्यू में दिखाता हूँ, आप लोगों का दिल खुश ना हो जाए तो बात करना। बहुत ज्यादा शोर है, मैं बोल नहीं सकता, इसलिए जरा कैमरे के करीब होके बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों को जरा कुछ दिखाता हूँ, कुछ खास। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले वेलकम वाले और बेरोजगार इंजीनियर को हाफिज उमर का सलाम। तो चलते हैं आज की व्लॉग की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप में से अक्सर लोग जो है ना वो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिस चीज़ का आपके भाई को दिल से दुख होता है। यार आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब खुद ही करना शुरू कर दें तो ये जो टाइम पहले वेस्ट होता है सब्सक्राइब कर दो यार ये वो मैंने तरला होता है, तो ये बंदा करना छोड़ देता है। लेकिन आप लोग भी यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और बंदे को मजबूर किए रखते हैं। आपको पता है आपका भाई आया हुआ था अपने गाँव पर, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमने प्लान बनाया भैया सैर सपाटे पर जाने का, ठीक है, पिकनिक पॉइंट पर जा रहे हैं आज हम लोग। और ये हाँ आप लोगों को मैं एक बात करना भूल गया कि मेरे पीछे गाड़ी भी है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने ये नहीं समझना भाई यूट्यूब की कमाई खुली आ रही है, पहले आईफोन आया है अब जनाब गड्डी शड्डी आ रही है। पाइन गड्डी रेंट पर लगी है, टेंशन ही लेनी है। ऐसी पाँच भाईवाल है, मतलब ये पांच पार्टनर हैं और पांच ने मिलके इसका डिवाइड करना है, ठीक हो गया ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए आप लोगों ने सीरियस नहीं लेना है कहीं यूट्यूब की कमाई से भाई भाई ने गाड़ी भी ले ली है, तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ओके हो गया, तो आज हम गाड़ी पर जा रहे हैं क्योंकि बाइक पर जाने के हालात नहीं है, गर्मी इतनी शदीद है आप लोगों को मैं दिखाऊँ। तो यार आते हैं काम की बात पे। तो आज हम जा रहे हैं भाईजान हैड सलमान की पे, वहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी आउटिंग शाउटिंग करनी है, वहाँ पे थोड़ी परेड शेड देखनी है, अल्लाह करे परेड में मिल जाए। तो खैर आप ऐसे पहुँचे, आप लोगों की दुआ चाहिए और साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके जी, तो यार आपका भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम सफ़र की तरफ रवाना हो रहे हैं। ओए बहुत तैयार करिए यार, रास्ता ज़रा आपको दिखाता हूँ मैं कितना ख़तरनाक किस्म का है। कैमरा भी हाथ में काबू में नहीं आ रहा, ये देखें किस तरह शफलिंग हो रही है, दिखाता हूँ जरा आपको। देखें सामने उस रोड चेक करो कैसे गाड़ी झूमती हुई जा रही है यार। मैं कहता हूँ इंजन शिंजन फारग हुए थे गाड़ी के, एक चक्कर लगा के। तो यार आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए इतने दुश्वार रस्तों से आपका भाई गुजर के जा रहा है ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बना सके, फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार दिल से बुरा लगेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर आगे जाके, यार यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है बहुत। तो यार हेडवे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भाई हमने करवानी है एंट्री, भाई साहब एंट्री फीस दे रहे हैं भाई साहब को, ठीक है। तो भैया जी डेढ़ घंटे की मुसाफत के बाद आपका भी पहुंच चुके हैं हैड सलमान की भी, तो अभी आप लोगों को व्यू में दिखाता हूं, आप लोगों का दिल खुश ना हो जाए तो बात करना, पैसे वापस अगर दिल खुश ना हो तो। और आपको एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये बताऊं कि आज आपके भाई को पसीना इसीना नहीं आया, उसकी वजह ये है कि भैया आज मौसम बड़ा ही क्लासिक किस्म का हुआ यार, ये चेक करो यार बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का यार, धूप अभी तक तो नहीं निकली और उम्मीद है बारिश भी आने की, ठीक है। तो यार टाइम को वेस्ट किए बगैर आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, आप लोग चेक करें और अपनी आंखें ठंडी करें, आ जाए फिर। तो ये भैया जी बहता हुआ पानी और सामने है आपका हेड जनाब, इसको कहते हैं हेड सिंधनाई, ठीक हो गया। और भाई मौसम क्लास का है, ये देखो सूरज चेक करो यार, सूरज भी आज शर्मा रहा है कसम से, क्या बात है। तो भैया जी बहु हैवी सीन है, बहु चस आ रही है, बड़ा प्यारा व्यू है यार, दिल कर रहा है आप लोगों को बार बार चेक कराऊँ यार। ये देखो सूरज बिल्कुल गायब हो चुका है यार, क्योंकि एक सूरज ज़मीन पर आ चुका है, ठीक है यार। तो ये चेक करें यार, ये व्यू है और ये पीछे सारे मेरा हेड है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमने व्यू शू चेक करना है, ठीक हो गया, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे जाना है। तो चलते हैं फिर आगे, मज़ीद देखते हैं यार क्या सीन है इधर। यार ये हंगामी नज़ारा एक मुझे नज़र आया, ये देख लो भाई इसके काम, अब पानी इधर है और ये इतने खतरे के अंदर, और ये कैमरे वाले को देख के तो यार ये वैसे ही टिकटॉकर है मुझे लग रहा है, ये वैसे ही शोखे हो जाते हैं कसम से यार। ये चेक करो अब इसकी आधी टांगें गई, अल्लाह ना करे इससे तो मसला बन जाए बाद में, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का कसूर ठहराना यार, क्या लोग हैं यार कसम से, क्या किस किस्म के सस्ते स्टंट करते हैं यार ये लोग, फिर किसी पंगे में पड़ जाते हैं तो फिर बाद में जनाब घर वालों के लिए टेंशन। चलो यार इन लोगों की तो समझ आती है, चलो ये लोग तो भाई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पानी के अंदर ये जाल लगाया हुआ, भाई इनको कहते हैं हमारी जुबान में मछेरे, मछियाँ पकड़ रहे हैं भाई साहब मछियाँ। ये सटना का धुआं है, चेक करो यार क्या सीन है भैया जी। ये आपको मैंने दिखाया व्यू हैड सलमान की का, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने जाना है परेड देखने के लिए और हमारी गाड़ी इस टाइम फुल तैयार है, ठीक है ना भैया, लोग वेट कर रहे हैं साथ, ठीक है। तो चलते हैं फिर परेड पर, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, बाकी जो नज़ारे शजारे रह गए वो बाद में देखते हैं, चलो। तो भाई साहब अब जा रहे हैं हम पाक इंडिया बॉर्डर पे, यहाँ पे भाईजान खड़े होकर पहले एंट्री करवानी है, समझ रहे हैं आप लोग, ये वीगो वाला बंदा एंट्री करवा रहा है।
यहाँ से एंट्री शेंट्री करवा के लाइनें शाइन लगी हुई हैं फुल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे जाना है बॉर्डर पे। तो भैया जी ये परेड ग्राउंड पाक इंडिया बॉर्डर, कैमरे की आँख तो फिर देख ही रही है जी। तो भैया जी हेड शेड विजिट करने के बाद आपका भाई पहुँच चुका है परेड ग्राउंड पे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम फिलहाल वेटिंग में लगे हुए हैं, तो अभी एंट्री ओपन ही हुई, ठीक है। तो जैसे ही ओपन होते थे फिर चलते हैं अंदर, आप लोगों को नज़ारा चेक करवाते हैं, जुड़े हैं आप लोग हमारे साथ, समझ रहे हैं। तो भैया जी लाइन में लगा हुआ है आपका भाई, और रश देख लो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, भैया आवाम ही आवाम है भाई, कोई सांस लेने की जगह नहीं है कसम से। मैं कहता हूँ सांस पता नहीं बड़ी मुश्किल से आ रहा है बॉस, लेकिन फिर भी आपका भाई यहाँ पे मौजूद है यार। ये चेक करो सारी आवाम धक्कम पे ले एक दूसरे को, भैया लाइन में आगे आने के बस किसी ना किसी तरह। लेकिन भैया हमको कौन हटाएगा, आपका भाई साजे जी यार अपने बुजुर्गों के आगे करें। तो यार ये सीन चेक करो कसम से भैया, क्या सीन है यार। मैं कहता हूँ भाई इंसानियत यहाँ पे आगे पता लगती है कसम से, इंसानियत। ये आपका भाई लाइन में पहले नंबर पे खड़ा हुआ है भाई। भैया जी आपका भाई सबसे पहले निकल के आ चुका है, कामयाब हो चुका है, पीछे लाइन चेक कर रहे हैं आप लोग। ये सारे एंट्री के लिए भाई खड़े हुए हैं अभी, अपनी चेकिंग शेकिंग करवा रहे हैं। लेकिन आपका भाई लाइन के फर्स्ट नंबर पे था, बल्कि सेकंड नंबर पे था कह लें आप लोग, और आपका भाई सक्सेसफुली अंदर इंटर हो चुका है, ठीक है। तो इससे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि नहीं मिल सकती ज़िंदगी में मुझे कभी भी। आ जाओ फिर चल रहे हैं आगे, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। तो भैया जी आपका भाई सक्सेसफुली पहुँच चुका है वाघा बॉर्डर पे, ठीक हो गया। वाघा बॉर्डर नहीं सॉरी हैड सुलेमानगी के बॉर्डर पे, बहुत ज़्यादा शोर है मैं बोल नहीं सकता, इसलिए ज़रा कैमरे के करीब होकर बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों को ज़रा कुछ दिखाता हूँ कुछ खास। तो भैया जी परेड का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो पता है आपको एंड पे फिर परचम कुशाई होती है। तो ये भैया आपके सामने है परचम कुशाई हो रही है, और बड़ा ही कमाल का सीन है। तो भाई जान बहुत चसाई है, एंड लेवल की चसाई है, मैं कहता हूँ गला बैठ गया, वीडियो नहीं बनाई जा रही मुझे। परेड ख़त्म हो चुकी है सक्सेसफुली, और भाई आपके भाई का फ़ोन इस टाइम जो है ना फ़ोन वो जोश मार रहा है इस टाइम। आप लोगों को टावर दिखाते हैं और वहाँ पर जाके आपको सारा व्यू दिखाएंगे, आइए फिर साइड में। तो ये है जी टावर, ठीक है। अभी इस पर हमने चढ़ना है, तो ये देख लो भैया ये सीढ़ियों से आपका भाई चढ़ रहा है, कोई 200 सीढ़ी चढ़ के भाई पहुँचे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ से आप जावेद पोस्ट, टिप पोस्ट, और जी उसके बाद है जी जावेद स्क्रीन, और ये बैरी वाला सरिका, ये सारे जनाब इंडिया के इलाके हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये सामने पूरा इंडिया देख सकते हैं, ये सारा इसका इंडिया का व्यू है। और भैया यहाँ से आप अपने अपने इलाके ढूँढ, तो ये ज़रा व्यू आपको अपने बॉर्डर का भी दिखा देते हैं। ये इस साइड पे ये पाकिस्तान है, और ये सामने भैया इंडिया है, ठीक हो गया। तो भैया ये टावर शावर का सीन देख लिए, बहुत चाचा ही आज तो दिल से निकल रहा है भजन, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर साड़ी जिंद साड़ी जान, दिल से निकल रहा है यार, दिल से निकल रहा है कसम से भाई। आपके भाई का जोश का लेवल इनफाइनाइट लेवल पर पहुँचा पड़ा है। तो यार आज का व्लॉग फिर इधर ही एंड करते हैं, और आपको खुशी की बात बताऊं आपके भाई को पसीना नहीं आया किसी किस्म का भी, ठीक है। आज गर्मी नहीं थी, आज नॉर्मल था सीन, ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके भाई का गला भी टोटली बैठ चुका है, अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भैया दिल से बुरा लगेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाड़ी हमारी भैया आ चुकी है, तो निकलते हैं फिर इस पर, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।